तो नमस्कार दोस्तों, क्वालकॉम ने जो है अपना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 में जो है वो 2.3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगली सीपीयू कोर्स की अगर बात करें तो क्वालकॉम क्रायो 475 आपको यहाँ पे कोर्स देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। सीपीयू आर्किटेक्चर की बात करें तो 64 बिट का आपको यहाँ पे सीपीयू आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। और जीपीयू की अगर बात करें तो एंड्रीनो 620 यहाँ पे आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। प्रोसेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 7 नैनोमीटर देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी एक अच्छी बात निकल के आ जाती है। सेलुलर मोडम की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X52 मोडम आपको देखने को मिल जाती है, तो इसकी वजह से आपको 5G इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाता है और वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। USB 3.1 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है और NFC का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। ISP की बात करें तो क्वालकॉम स्पेक्ट्रा 755 इमेज सिंगल प्रोसेसर आपको इस प्रोसेसर में देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल कैमरा मेगापिक्सल की बात करें तो 192 मेगापिक्सल तक ये प्रोसेसर जो है वो कैमरा सपोर्ट करता है, तो ये भी एक अच्छी बात निकल के आती है। तो 192 मेगापिक्सल तक कंपनी जो है हमें दे सकती है कैमरा। तो वीडियो की बात करें तो HDR10 और HDR10+ का आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और डिस्प्ले की अगर बात करें तो Quad HD डिस्प्ले आप ये प्रोसेसर जो है वो सपोर्ट करता है Quad HD और 60 Hz रिफ्रेश रेट तक डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। तो Quad HD+ 60 Hz रिफ्रेश रेट, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है। और HDR10 और HDR10+ को भी डिस्प्ले सपोर्ट करता है। रैम की अगर बात करूँ तो LPDDR4X को रैम को सपोर्ट करता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है। और GPU जो कंपनी कहती है, GPU जो है वो 20% मोर पावरफुल कर दिया है जो इसका प्रीवियस जनरेशन था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G, उससे 20% आपको पावरफुल GPU मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात निकल के आती है। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 730 और 730G का एक अपग्रेड देखने को मिल रहा है आपको, तो बहुत ही अच्छा है। तो आने वाले जो हमें फ़ोन्स देखने को मिलेंगे मिड रेंज या फिर प्रीमियम मिड रेंज, तो इस प्रोसेसर के साथ आने वाले हैं। जो रेडमी का K30 फ़ोन जो है वो अभी लॉन्च हो चुका है इसी प्रोसेसर के साथ, बहुत ही जल्द हमें वो इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं ये प्रोसेसर कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर दीजिए।